हेलो एवरीवन, वेलकम चटपटे स्नैक्स। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ खट्टा वड़ा बनाने की रेसिपी। तो आप सोच रहे होंगे खट्टा वड़ा क्या होता है, तो इसे देसाई वड़ा भी कहा जाता है या फिर आप इसे जुआर का वड़ा भी कह सकते हैं। अब खट्टा वड़ा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि खाने में हल्का सा खट्टा होता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो खट्टा सोच के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप इसे एक बार घर पर देंगे ना तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज हम देखेंगे कैसे बनाएंगे खट्टा वड़ा। आप इसे बना करके 2 दिन तक रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। वो भी आपको बाहर ही रखना है, फ्रिज वगैरह में भी नहीं रखना है रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम ये वड़ा। तो वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे। अब इसके अंदर इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो बैटर के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप ज्वार का आटा। तो ये आप मार्केट में कहीं पे भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, आप एक बार ढूंढेंगे तो आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा। साथ ही में हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 कप हमारा नॉर्मल आटा, यानी कि वीट का आटा जो हम सब घर पे यूज़ करते हैं। साथ ही में हम यहाँ पर डाल देंगे 1/4 कप उड़द दाल का आटा। तो ये हमने उड़द दाल को पीस लिया है, 1/4 कप जितनी उड़द दाल थी उसको पीस करके तैयार करके डाल दिया है। ये यहाँ पे पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको ये बाहर मार्केट में तो आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, अगर मिलता है तो ले लेना। बाकी अगर आप घर पर भी, अगर आपके पास मिक्सर वगैरह नहीं है तो आप बिना इसके भी इसको बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। साथ ही में 1/2 टीस्पून मेथी डाल दी हमने यहाँ पर, मेथी के दाने डाल दिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे आटों को और मेथी को। अब धीरे धीरे करके क्या करेंगे, आप पानी डालते जाएंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। अब ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमको ना इसका बैटर एकदम थिक तैयार करना है, यानी कि एकदम ही थिक बैटर तैयार करेंगे, बिल्कुल भी पतला बैटर नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ पे। तो धीरे धीरे करके पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, ताकि ज़्यादा पानी ना डल जाए ना, इसीलिए हम यहाँ पर धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, क्योंकि लम्स के तो चांसेस यहाँ पर होंगे ही नहीं, क्योंकि हमें एकदम थिक बैटर चाहिए। साथ ही में हम, ये खट्टा है तो इसमें दही डालना तो बनता है, तो पहले 1/2 कप है ना दही डाल देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे दही डालना भूल गई, इसलिए 1/2 कप दही डाल देते हैं, फिर मिक्स करेंगे और उसके बाद पानी डालेंगे, क्योंकि दही में भी ना हल्का पानी होता है, वो हल्का पानी छोड़ती है। तो पहले दही डालेंगे, बाद में हम यहाँ पे पानी डालेंगे, मिक्स कर देते हैं। अब धीरे धीरे करके फिर से पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो ये लीजिए, हमारा जो बैटर है वो बनके एकदम तैयार है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिक बैटर तैयार किया है। ऑलमोस्ट दाल वड़े की कंसिस्टेंसी का जो बैटर होता है वो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी पतला नहीं करना है यहाँ बैटर, अगर बैटर पतला हो गया ना तो यहाँ वड़ा एकदम ख़राब हो जाएगा, तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। चलिए अब क्या करते हैं, इसे ढक के रख देते हैं लगभग 8 से 9 घंटे के लिए। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो 7 घंटे इनफ है, लेकिन अगर आप विंटर्स में बना रहे हैं तो आपको इसे 8 से 9 घंटे तो रखना ही पड़ेगा। 9 घंटे बाद हमने इसका ढक्कन हटा लिया, हमने इसे ओवरनाइट रख लिया था, तो ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका फर्मेंटेशन कितना अच्छे से हुआ है। तो ये फर्मेंट तभी होगा जब हम इसे अच्छी तरह से इसको फर्मेंट कराएंगे, यानी कि 8-9 घंटे तो हम इसे लगभग रखना ही पड़ेगा। तो एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून या फिर स्वाद अनुसार नमक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको नमक तभी डालना है जब आप इसको बना रहे हैं, यानी कि जब आपको इसको खाना है, उससे पहले नमक नहीं डालना है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं। 1 टीस्पून हम यहाँ पर डाल देंगे तिल, सेसमे सीड्स। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो आप अदरक और हरी मिर्च को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप उसको पीस करके उसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हल्दी हमने यहाँ पे डाली है ना, तो उसकी वजह से हमारा बैटर अच्छे से येल्लो हो जाएगा, तो वो एकदम वड़े जैसा लगेगा। तो चलिए, मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे 1 टेबलस्पून गरम तेल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे गरम तेल का यूज़ करना है, ठंडा तेल यूज़ नहीं करेंगे और 1 टेबलस्पून से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब एक बार तेल मिक्स हो जाए ना, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून ईनो। आप चाहें तो बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ईनो यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे ना, तो हमने यहाँ पे हल्दी भी डाली है, तो जो उसका कलर है ना वो पूरा चेंज हो जाता है और वो रेड रेड सा हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा प्रेफर नहीं करती हूँ, आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ईनो को, ताकि वो पूरे बैटर में आ जाए। तो चलिए, हमारा बैटर तैयार है, अब चलते हैं इसे फ्राई करने। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी पैन रख दिया है, इसके अंदर ऑयल डाल दिया है फ्राई करने के लिए। जब हमारा ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म होगा, उसके बाद हम यहाँ पे हमारे वड़े डालना स्टार्ट करेंगे। तो वड़े डालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पानी ले लेंगे और पानी के अंदर ना हाथ हल्का सा डिप कर लेंगे, और अब वड़े लेकर के डालते जाएंगे। ये अगर स्टेप करेंगे ना, तो आपके हाथों पर वड़े चिपकेंगे नहीं और एकदम परफेक्ट गोल बनेंगे इस तरह से।
डालते जाएंगे। जिस तरह से आप दाल वड़े डालते हैं या फिर कोई भी अगर पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो जैसे हम डालते हैं उसी तरह से हमने डाला है इसे, बस इसके हाथों पे पानी लगा लिया है। चलिए सारे वड़े डाल देंगे, इसे हल्का सा पकने देंगे और फिर पलटा लेंगे। गाइस ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम पहले हाई रखना है, उसके बाद आपको गैस का फ्लेम मीडियम लो कर देना है, क्योंकि अगर गैस का फ्लेम लो रहेगा ना तभी ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगा। अगर हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो ये बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पकेगा, आपको एक गोल्डन दिखेंगे पर ये अंदर से एकदम कच्चे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम लो रखना है। तो ये लीजिए, जो हमारे पकौड़े हैं यानी कि जो हमारे वड़े हैं जो ब्राउन हो चुके हैं वो हम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर अगर ये और ब्राउन हो गए तो ये जल जाएंगे। तो चलिए अब धीरे धीरे करके जो जो भी ब्राउन होते जाएंगे ना हम उन वड़ों को निकालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जुआर और खट्टा वड़ा सुन के आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसी रेसिपी होगी, लेकिन एक बार आप इसे ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसी तरह से हम सारे बैच फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये वड़ों को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं, बस इसके रात को प्रिपरेशन करके रखो और सुबह आपका नाश्ता तैयार हो सकता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ में अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।